हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस फैमिली। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। एंड आज का जो रीडिंग है बहुत जनरल रीडिंग है, सो इट माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। हर एक इंसान के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा रीडिंग, बट मैं आशा करती हूँ कि ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करे। अगर करे तो मुझे कमेंट्स में बताना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड या सो हमारे पास आज तीन पाइल है, जैसा कि आप देख सकते हो। दिस इज पाइल वन, दिस इज पाइल नंबर टू, ओप्स, दिस इज पाइल टू, दिस इज पाइल नंबर थ्री। ठीक है, सो पाइल वन, पाइल टू एंड पाइल नंबर थ्री। आज का जो रीडिंग है बहुत जनरल टॉपिक है, दैट इज कि नियर फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में आप क्या ब्लेसिंग्स पा सकते हो, या यूनिवर्स अगर आपसे कुछ कहना चाहती है, वही टॉपिक है आज का। आप अपने नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छी चीज़ें, ख़राब चीज़ें नहीं। एंड आई होप यूनिवर्स आपको बहुत 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 सारा ब्लेसिंग्स भेजे, प्यार भेजे, एंड आपकी फैमिली को भी, क्योंकि आई नो अभी टाइम थोड़ा ख़राब है सबके लिए with this global pandemic thing. So yeah, let's start your reading, pile number one. Okay, so agar aapne ye crystal choose kiya hai, then this is your pile number one. So dekhenge ki aane wale dino mein aap universe se kya expect kar sakte ho, kya gifts, kya blessings, good advices, theek hai? Okay. सो हमारे पास ये ओरेकल कार्ड है जो हम लास्ट में देखेंगे, इट्स इज क्लेवोइंस, और ये दो गाइडेंस कार्ड्स हैं, ये सब हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेंगे। ओके, वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आप देख पा रहे हो। ओके, मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है। वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड ऑल्सो हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हम क्लैरिफाई करेंगे इस चीज को। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। हम किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेंगे थोड़ा सा। We'll clarify the two of wands first, okay? Two of wands, please clarify the two of wands for my pile number one. Please clarify the two of wands for my pile number one. We have the chariot, strength and hermit. We will clarify the king of wands. King of wands from the pile number one. King of swords from the pile number one. So sorry. King of swords from the pile number one. मुझे यहाँ पे एयर साइन, अर्थ साइंस एंड फायर साइंस दिख रहा है, सो मे बी आप इनमें से कुछ हो, बट ज़रूरी नहीं है। किंग ऑफ सोर्स, ओके, किंग ऑफ सोर्स नंबर वन। Okay, we have the Ten of Swords and the Ace of Pentacles. Why is the Six of Pentacles here? Six of Pentacles. Six of Wands.
Okay. We'll take only one. We have the Queen of Wands. Okay. And at the bottom of the deck, we have the Ten of Wands. Okay. Okay. So my pile number one. Universal message, guidance, blessings. आने वाले दिनों में आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है? So first, what I'm seeing here, मुझे जो दिख रहा है is the six of pentacles, the six of wands, and the queen of wands. Okay. So मुझे इस पाइल में बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि a lot of material abundance. मुझे मटेरियल अबंडेंस दिख रहा है, मटेरियल चीज़ें लाइक मनी, करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मुझे यहाँ पे कप्स का कार्ड नहीं दिख रहा है, इमोशंस ज़्यादा नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी अगर विल टॉक अबाउट इट, ठीक है, हम लोग बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में. सो विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आप एक फायर साइन हो सकते हो, दैट इज लियो, एरीज और सैजिटेरियस, पर ज़रूरी नहीं है. सो द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आप बहुत एक पैशनेट इंसान हो, लाइक आप अगर किसी चीज़ को फॉलो करते हो, सॉरी, अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हो, अगर आपका कोई एम होता है, कोई गोल होता है, आपको कुछ अचीव करना होता है, तो आप उस चीज़ के लिए कुछ भी करते हो. लाइक आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप हार्ड वर्क देते हो, आप उस चीज़, उस एम को पाने के लिए आप डटे रहते हो. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड. द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत पावरफुल क्वीन है, ठीक है, एंड बहुत नर्चरिंग है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज आई एम गेटिंग कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, अगर आप किसी चीज़ से टेंस्ड हो अभी, देन स्टॉप बींग टेंस्ड और एंग्शियस. सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव, क्योंकि दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ, ठीक है. ये क्वीन बहुत पैशनेट क्वीन है, बहुत ही इस क्वीन का बहुत बड़ा बड़ा एम है लाइफ में, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है लाइफ में, जो ये अचीव करके ही दम लेती है, ठीक है. सो मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्स, और आपका कोई एम है, वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन आपका कोई सपना है, कुछ एक सपना है जो आपको हासिल करनी है, वो एक जॉब हो सकती है, वो कोई रिलेशनशिप, कोई पर्सन, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए डिफरेंट होगा ये, ठीक है. सो मुझे दिख रहा है कि आपका बहुत एक एम है, एक सपना है जो आप पूरा करना चाहती हो या चाहते हो बहुत जल्दी, ठीक है. एंड वो सपना, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग कि आप बहुत अबंडेंट हो, लाइक आप सिर्फ अगर आप खुश होते हो या आप बहुत शेयर करते हो चीज़ें, लाइक अगर आपके पास कुछ होता है देने के लिए, जैसे आपको पता है कि इस चीज़ से किसी का हेल्प हो सकता है, चाहे वो पैसा हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. अगर आपको ये पता होता है तो आप हमेशा देते हो, चीज़ें शेयर करते हो, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये ज़्यादा है तो मैं वो चीज़ लेके बैठ जाती हूँ, मैं किसी को नहीं देती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है. यू आर वेरी गिविंग, यू आर वेरी काइंड हार्टेड, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. यू आर वेरी काइंड हार्टेड, दैट इज़ वेरी नाइस, ठीक है. सो आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, गिविंग है, पैशनेट है, एंड हाँ, आप सच्चाई के लिए खड़े होते हो हमेशा, ठीक है, आप सच्चाई के लिए हमेशा खड़े होते हो. एंड विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक ये जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हो या जो भी आपका एम है, गोल है अभी, आप इसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो, या ऑलरेडी आपने इस तरफ बढ़ने के लिए आपने स्टेप्स, कदम उठा रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, चाहे वो छोटा कदम हो या बड़ा, लेकिन आप उसको पाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो. ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकता है, करियर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो आप पूरा पूरा मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि अगर आप डटे रहे तो आप विक्टोरियस हो गए, या फिर आप ये जो भी चीज़ है, ये जो भी गोल है, ये जो भी गोल है आपकी, आप इसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो. लाइक आप, मुझे दिख रहा है आपका मेहनत, ठीक है, आप इसे पाने के लिए बेताब हो, कुछ भी कर सकते हो, एंड आप मेहनत करने के लिए भी राजी हो अगर करना पड़े तो. The message that I'm getting is the King of Swords, the Ace of Pentacles and the Ten of Swords. Okay. So, कुछ लोगों के लिए I'm getting this feeling कि
आप जिस चीज को पाना चाह रहे हो या आप जिस चीज के तरफ बढ़ रहे हो अपने लाइफ में या आपका जो गोल है, आपका जो एम है, अगेन ये कुछ भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर, व्हाटएवर, ये जो आपका गोल है, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा, लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा. ठीक है, आप जब एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे होंगे तब ये आएगा. ठीक है, ये किसी का मैसेज हो सकता है, ये कोई जॉब ऑफर हो सकते हैं, ये कोई बिजनेस में प्रॉफिट, कुछ भी. ठीक है, वॉट एवर द गोल इज, तो ये बहुत अचानक से आपके पास आएगा एंड आपको, आप जब एक्सपेक्ट लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तब. दैट इज द मैसेज. ठीक है, दैट इज द मैसेज आई एम गेटिंग. ठीक है, लेकिन मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. जिसके लिए मुझे यहाँ पे आप एंजाइटी दिख रहा है, एंक्शस हो. ठीक है, अब बहुत एंजाइटी में हो कि मुझे ये पाना है, कैसे करूँ, कब होगा, होगा कि नहीं, बहुत डाउट्स है आपके मन में, बहुत बहुत ज़्यादा आप रात में सोचते हो बहुत ज़्यादा इसके बारे में. आई एम गेटिंग दिस मैसेज. आप वी ऑल्सो हैड द बॉटम ऑफ द डेक द टेन ऑफ वॉन्ड्स. सो आपको लगता है कि ये, मतलब ये आपको करना ही है, वरना तो मैं कैसे जीऊँ. मतलब अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपके मन में एक बोझ बन रहा है. ठीक है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ठीक है, दैट इज़ द, ये फीलिंग मुझे आ रहा है. ठीक है, सो आपको किसी भी हालत में आप ये हासिल करना चाहते हो एंड ये अगर आप हासिल नहीं कर पाए तो आपका दिल टूट जाएगा. आप एंजाइटी में हो, आपको आपका मतलब शांति उड़ गया है, रातों का नींद उड़ गया है कि कैसे करूँ, क्या करूँ, मतलब ये तो चाहिए, मुझे चाहिए. आप बहुत प्रे कर रहे हो गॉड से, यूनिवर्स से, कि प्लीज़ ये हो जाए या ये पर्सन आ जाए या मुझे ये जॉब मिल जाए, जो भी है आपका सिचुएशन. ठीक है, एंड आपको क्लैरिटी चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो मैसेज आई एम गेटिंग, कि आपको क्लैरिटी चाहिए, कि आपको जवाब चाहिए किसी चीज़ का, कि मे भी हो सकता है आपको जवाब चाहिए कि मुझे ये चीज़ मिलेगी कि नहीं. आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि अब तो मुझे ये चाहिए, मैं तो डिजर्विंग हूँ, मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है, फिर भी मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर मुझे ये ऑफर क्यों नहीं मिल रहा है, या मुझे ये पर्सन क्यों नहीं मिल रहा है. तो आपके मन में बहुत सवाल है. आप या तो जनरल सवाल है जो आप यूनिवर्स से कर रहे हो, या तो किसी पर्सन के बारे में सवाल है, या किसी को आपको कुछ पूछना है, वैसा कोई सवाल है जो आप बार बार अपने मन में सोच रहे हो कि क्या होगा, क्या. बहुत ओवरथिंक कर रहे हो चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. ठीक है, जो आपको कभी कभी एंजाइटी देती है, जो कभी कभी आपको डिप्रेस्ड कर देती है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा. आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते हो, इतना आप ज़्यादा सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में, ये जो भी है. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत पैशनेट भी हो. आपको, आप बहुत ठान लिए हो कि मुझे ये चाहिए, यही मेरी खुशी है, यही मेरा हैप्पीनेस है. ठीक है, अगर मुझे ये जॉब मिल गया तो मेरा तो लाइफ बन गया, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा, मुझे यही अभी चाहिए. या फिर कोई पर्सन अगर है तो मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये क्यों मैसेज नहीं कर रहे, मुझे ये क्यों नहीं बुला रहे. ठीक है, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है मुझे. सो देन द एडवाइस इज, वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द चैरियट, हर्मिट एंड स्ट्रेंथ. सो यूनिवर्स का क्या मैसेज है या क्या ब्लेसिंग है आपके लिए इज दैट आप, द यूनिवर्स नो दैट, नोज दैट आपको क्या चाहिए. अगर आप प्रे कर रहे हो, अगर आप बार बार मैनिफेस्ट करने का कोशिश कर रहे हो किसी पर्सन को, किसी जॉब को, किसी अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में, तो यूनिवर्स को पता है. ठीक है, लेकिन यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि आप ये जो इतना सोच रहे हो, आप जो इतना ओवरथिंक कर रहे हो हर चीज़ को लेके, जो आपको एंजाइटी दे रही है, या आप पूरा दिन पूरा रात उसके बारे में सोच रहे हो, उस चीज़ के बारे में, इस चीज़ से यूनिवर्स को प्रॉब्लम है. ठीक है, आप अगर इतना सोचोगे तो यूनिवर्स आपको, आप जो मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, यूनिवर्स, ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है कि आप मैनिफेस्टेशन कैपेसिटी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप इतना सोच रहे हो, आप इतना सोच रहे हो अपने दिमाग में कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, उस डायरेक्शन में जाऊँ, मुझे क्या ये मिलेगा, अगर मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आप इतना मत सोचो. ठीक है, आप इतना भी मत सोचो, क्योंकि आपका, आप अगर कुछ चाहते हो यूनिवर्स से, आपका अगर कोई स्पेसिफिक मैसेज है, स्पेसिफिक विश है, तो आप एक बार विश करो, एक बार वो मांगो एंड देन लेट गो करो. कंट्रोल करने की कोशिश मत, कंट्रोल इशू, आई एम गेटिंग दिस मैसेज, कंट्रोल इशू. आप कंट्रोल मत करो चीज़ को, सिचुएशन को, पर्सन को. कंट्रोल, आप शायद
ये बोलोगे कि मैं तो कंट्रोल कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बैठी हूँ, लेकिन आप दिमाग में तो सोच रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप इससे पूछ रहे हो, उससे पूछ रहे हो, आप ये देख रहे हो, आप वो कर रहे हो, ये भी एक एक टाइप ऑफ कंट्रोल इश्यूज ही है। आप अपने माइंड को कन्फ्यूज कर रहे हो, आप यूनिवर्स को कन्फ्यूज कर रहे हो। आप प्रे करो, भूल जाओ, ठीक है, पॉजिटिव रहो बस, दैट इज द मैसेज। सो अगर आप वैसा करोगे देन आई थिंक पॉजिटिविटी विल कम, आई थिंक पॉजिटिविटी विल कम, क्योंकि हर्मिट, आप इतना मत सोचो। आप आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज कि किसी किसी को यहाँ पे मेडिटेशन की जरूरत है, सो मे बी यू शुड मेडिटेट मोर, ठीक है। एंड आप इतना मत सोचो, आप ये सोचो कि आप उस चीज को पाने के लिए अपने आप में क्या चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप अपने आप की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपने आप को और डेवलप कैसे कर सकते हो। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो करियर में हो सकता है, वो रिलेशन, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा सिचुएशन। तो आप अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हो, आप अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हो, आप वो सोचो। आप अपने आप को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने थॉट प्रोसेसेस को कंट्रोल करो। आप बाहर का सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी इंटेंशनली मे बी अनइंटेंशनली आप कर रहे हो, वो मत करो, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो यूनिवर्स इज गेटिंग कन्फ्यूज्ड। आप अगर अपने आप पे काम करोगे, क्योंकि वी ऑल्सो हैड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी क्वीन है जो अपने आप पे काम करती है, जो अपने आप को डेवलप करती है, अपने आप में उनको बहुत पैशन है। सो दैट इज अ मैसेज फॉर यू, ठीक है, दैट इज वॉट यू शुड डू। अगर आप वैसा करोगे देन वी हैव द चैरियट एंड वी ऑल्सो हैव द स्ट्रेंथ, ठीक है। सो चैरियट मीन्स ऑल्सो अ डिसीशन, वी ऑल्सो हैव टू ऑफ वॉन्ड्स विच इज ऑल्सो अ डिसीशन। सो डिसीशन इज योर्स कि आप ऐसे अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने आप पे काम करोगे, अपना बेटरमेंट के बारे में सोचोगे, या आप बाहर के सिचुएशन को कंट्रोल करोगे। आप किसी पर्सन को कंट्रोल करो, किसी के लाइफ को कंट्रोल करोगे, या किसी सिचुएशन को ऑफर कुछ चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ओवर थिंक करोगे। द चॉइस इज योर्स कि आप क्या करोगे, ये आपका चॉइस है, ठीक है। एंड यू नीड टू बी स्ट्रांग हियर। मे बी आप लियो हो, लियो साइन, लेकिन आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है। आप मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रांग। वी ऑल्सो हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यू नीड टू बी स्ट्रांग, दैट इज द मैसेज कमिंग थ्रू। आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। आपको, आप अगर कुछ मांगना चाहते हो यूनिवर्स से, आप मांगो, आप प्रे करो, आप मैनिफेस्ट करने की टेक्निक्स है बहुत सारे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज, जैसे कि मैं बोली थी कि यहाँ पे आप वो कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो। किसी किसी के लिए आई एम गेटिंग दिस मैसेज ऑफ मेडिटेशन दैट यू नीड टू डू। लेकिन आप यूनिवर्स को कन्फ्यूज मत करो, या आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत पैशनेट हो, आपको जो चाहिए आप उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो, लेकिन आपको जो चाहिए आप उसके लिए इतना सोच रहे हो, इतना कुछ, इतना ओवरथिंक कर रहे हो सिचुएशन को, कि वो चीज़ आपको एंजाइटी दे रही है। सी टेन ऑफ सोर्ड्स, वो चीज़ आपको डिप्रेशन दे रही है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे करियर, जॉब, फाइनेंसिस का लग रहा है, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो यूनिवर्सल मैसेज ये है कि आप इनडिसाइसिव हो, एंड आप जब तक इनडिसाइसिव रहोगे, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव ही सोचो, खराब चीज़ें मत सोचो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर दोगे वो खराब, ठीक है। सो दैट इज़ द मैसेज, बी स्ट्रांग, थिंक, एंड ओवर थिंक नहीं, थिंक, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपके साथ है। सो विल गेट अ लास्ट ओवरऑल यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू। विल टेक अ फ्यू कार्ड्स फॉर पाइल नंबर वन, गाइडेंस मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, अ बेसिक गाइडेंस मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय पाइल नंबर वन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप जहाँ पे हो आप सही जगह पे हो। आपको एंजाइटी हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी वेयर आई एम, मुझे इधर जाना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। यूनिवर्स बोल रहा है कि ठीक है, इट्स ओके, लेकिन इस वक्त,
डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो। इस वक्त आप जिस जगह पे भी हो, चाहे वो कितना अच्छा जगह हो कितना बुरा जगह हो, आप उस जगह पे एक रीजन के लिए हो। आपको उस जगह से कुछ लेसन मिल रहा है, इसीलिए आप उस जगह पे हो। यूनिवर्स है, यूनिवर्स, एंजल्स, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, वो सारे लोग आपको देख रहे हो, ठीक है। एंड आप अगर कुछ डार्क टाइम में हो, आप अगर कुछ खराब सिचुएशन से गुजर भी रहे हो, आपके मन के अंदर अगर बहुत सारे टर्मोइल्स है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो ठीक है, जस्ट बी स्ट्रांग। यूनिवर्स आपके साथ है, बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग, एवरीथिंग विल वर्क आउट इन द राइट टाइम, ठीक है। आपको जो चाहिए, आप अगर उसके लिए हार्डवर्क करोगे, आपको वो चीज मिलेगी, यूनिवर्स को पता है। लेकिन बैलेंस, आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप अपना जो बैलेंस है लाइफ का वो गंवा रहे हो, किसी चीज को इतना दे रहे हो कि लाइफ के बाकी चीजों को आप कुछ अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो। सो दैट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू। सी, ये चीज आप पे बोझ बन गया है। आप इतना सोच रहे हो कि जो चीज आपको खुशी देने वाली थी वो बोझ बनता जा रहा है, कि होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। सो दैट इज द मैसेज, कि इसको बोझ मत बनाओ। दिस इज समथिंग गुड, इफ यू वॉन्ट दिस देन द यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। ओके, सो वी विल सी द अदर कार्ड्स। आपके बाकी जो कार्ड्स थे वो हम देखेंगे अभी। नो थिंगनेस, नथिंगनेस जिसे बोलते हैं, न्यू विजन। ओके, सो डेफिनेटली विद द नथिंगनेस, आई थिंक दिस, आप ओवर थिंक अगर करोगे, आप अगर इतना ज्यादा सोचोगे, तो आपका सिचुएशन नथिंग होगा। आपको इस ओवर थिंकिंग से, इस दर्द से, इस डिप्रेशन से कुछ नहीं मिलने वाला है। यू वोंट गेट अ रिजल्ट फ्रॉम दिस ओवर थिंकिंग। रिजल्ट नहीं मिलेगी आपको अगर आप सोचते रहोगे, खराब नेगेटिव सब कुछ सोचते रहोगे। न्यू विजन की आपको जरूरत है। अगर कोई चीज आपको एंजाइटी दे रही है, तो आप उसके बारे में एक नए पर्सपेक्टिव से वो चीज को देखो। आप ये देखो कि ठीक है, अगर मैंने प्लान ए ट्राई किया था, मैं ये काम नहीं किया, तो मैं प्लान बी ट्राई करूंगा या करूंगी। अगर बी भी काम नहीं किया, तो सी करेंगे, ठीक है। बी पॉजिटिव, हैव दैट स्ट्रेंथ, बी स्ट्रांग एंड बी पॉजिटिव। चीजों को, एक चीज अगर काम नहीं किया एक तरीके से, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सर दीवार पे जाके फोड़ोगे, ठीक है। ट्राई सम अदर पॉलिसी, ट्राई सम अदर थिंग, ट्राई सम अदर वे आउट इफ यू रियली वॉन्ट टू वर्क हार्ड, ठीक है। योर ओरेकल कार्ड इज क्लेवॉइंस। द मैसेज हम लोग देखेंगे। There are many ways of seeing with your inner vision. See, new vision. बहुत सारे ways है जिससे आप देख सकते हो एक चीज को, एक situation को. There are many ways of seeing with your inner vision. You may physically see pictures on your inner screen. You may sense or you may know. It is time to develop your third eye and trust your intuition. We also have the hermit, right? Yes. See. So, ये बोल रहा है कि एक चीज देखने के लिए आप, या एक सिचुएशन, एक पर्सन को देखने के लिए सिर्फ एक नजरिया नहीं होता, इंसान के पास बहुत नजरिया हो सकता है। सो अपने आप पे झांको, अपने दिल पे झांक के देखो कि आपको जो चाहिए उसके लिए आप क्या नेगेटिव कर रहे हो, आप उसके लिए क्या पॉजिटिव कर रहे हो, वो रियलाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दैट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू, दैट इज द ब्लेसिंग। कि अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आओगे, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचोगे, प्रे करोगे, मेडिटेट करोगे एंड यूनिवर्स पे छोड़ दोगे, लेट गो करोगे, अगर आप क्लिंग नहीं करोगे एक चीज से कि चाहिए चाहिए चाहिए, आप डिमांड नहीं करोगे कि मुझे जब भी चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, अगर आप ये एनर्जी से बाहर आ जाओगे, तो आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा, आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे आसानी से, ठीक है। सो दैट इज द मैसेज फॉर यू, माई पाइल नंबर वन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हमारे फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बन जाइए आप भी। और कमेंट्स में आप बता सकते हो और क्या क्या टॉपिक्स आपको देखना है इस चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
हाई हेलो एंड वेलकम बैक. अगर आपने ये क्रिस्टल चूज किया है देन यू आर माई पायल नंबर टू. सो देखेंगे कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, या क्या ब्लेसिंग जाने वाले हैं, या यूनिवर्स आपसे क्या मांग रही है. ठीक है, ओके. सो ये आपके कुछ एडवाइस एंड ओरेकल कार्ड्स है जो हम लोग लास्ट में देखेंगे. पहले आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे. ओके, सो वी हैव द डेविल, टेम्परेंस एंड डेथ. ठीक है, जिसे हम क्लैरिफाई कर लेंगे अभी. ओके, वी विल क्लैरिफाई द डेविल. व्हाई इज द डेविल हियर? व्हाई इज द डेविल हियर? Judgment. Ten of Wands. Temperance. Why is the Temperance here? We have Ace of Pentacles and the King of Cups and Death. Ten of Cups, Seven of Cups. What is this? Knight of Wands. Okay, bottom energy, we have the Fool here. That is really nice. Let me, yes. Okay, pile number two, let me see. The Devil, the Judgment, and the Ten of Wands. Then we have Temperance, Ace of Pentacles, and the King of Cups. We have Death, we have Ten of Cups, Seven of Cups, and the Nine of Cups. Okay, just give me a minute. Okay, so मैं पायल नंबर टू, मुझे आप लोगों के लिए दो मैसेजेस आ रहे हैं एक्चुअली. विद द डेविल, द जजमेंट एंड द टेन ऑफ वॉन्स, आई एम सीइंग कि आप एक पर्सन के साथ शायद डील कर रहे थे. ये पर्सन हो सकते हैं आपका कोई पुराना जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जो आपके लिए लास्ट में एक बोझ बन गया था, जो आपको बहुत एंजाइटी दे रहा था. मे बी आप ठीक से सो नहीं पा रहे थे, मे बी आप बहुत परेशान थे इस सिचुएशन को लेके, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपके मन में शांति नहीं थी. ठीक है, बिकॉज द डेविल कार्ड इज गिविंग मी द एनर्जी. ठीक है, ये एनर्जी मुझे दे रहा है कि आप अगर किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व्ड थी. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फायर, सो मे बी आप फायर साइन है, या आप एक वाटर साइन है आपके पर्सन, या जिस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं जिस पर्सन के साथ, वो फायर साइन हो सकता है. सो एनीवेज, आई एम सीइंग कि देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन हियर. मे बी आप किसी के बारे में बहुत पैशनेट फील करते हो, या कोई आपके बारे में बहुत पैशनेट फील करता है या करती है जिस पर्सन के साथ आप थे. बट उस पैशन में मुझे एक गड़बड़ लग रहा है. दैट इज, ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं. यहाँ पे मुझे को डिपेंडेंसी का फीलिंग आ रहा है, एक अडिक्शन, लाइक आप एक दूसरे से अडिक्टेड थे. ठीक है, मे बी आपको पता है, मे बी आपको नहीं पता है. मे बी आप कॉन्शियसली अडिक्टेड थे, मे बी आप सबकॉन्शियसली अडिक्टेड थे. लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि उस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ आपका, कोई झमेला, सेपरेशन, नो कॉन, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ हुआ उस कनेक्शन में. मे बी आप सेपरेट हो गई हो अभी उसके साथ, उस पर्सन के साथ आप सेपरेट हो, आप नहीं हो उस पर्सन के लाइफ में, या वो आपके लाइफ में नहीं है.
या तो अगर है भी फिर भी चीज़ें सही नहीं है, चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, या फिर आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है सिचुएशन, क्योंकि आप पे ये एक बोझ बन चुका है। ये जो भी सिचुएशन है ये आप पे एक बोझ बन चुका है, या पास्ट में बन चुका था। एंड विद द जजमेंट आई एम सीइंग दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन, आई एम सीइंग डिवाइन इंटरवेंशन। ये डिवाइन यूनिवर्स इस कनेक्शन में इंटरवेंट किया, इस कनेक्शन के बीच आया, क्योंकि ये जो कनेक्शन था, इस कनेक्शन में मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि एक पर्सन डेविल डेविल एनर्जी में था। ठीक है, एक पर्सन बस लेता रहा आपसे एफर्ट, हार्ड वर्क, आपका एनर्जी, आप बस उस पर्सन को देते रहे, इस कनेक्शन के लिए हार्ड वर्क करते रहे, इस कनेक्शन को सुधारने के लिए सारा बोझ आपने उठा लिया। ठीक है, लेकिन ये तो इम्बैलेंस है ना, कि एक पर्सन डेविल एनर्जी में एक पर्सन सारा बोझ उठा रहा है, इसीलिए यूनिवर्स को बीच में आना पड़ा ये सेपरेशन करवाने के लिए। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट मैसेज। सेकेंड मैसेज इज द टेम्परेंस, द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स। सो द फर्स्ट मैसेज, सेकेंड मैसेज हियर आई एम गेटिंग, जो मैसेज मुझे आ रहा है विद अ टेम्परेंस हियर, कि अभी आप सिंगल हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू जो ये देख रहे हो, आप सिंगल हो, या आप ऐसे मन में ठान लिए हो कि आपको इस पर्सन के साथ ये जो भी डेविल एनर्जी था आपके पास्ट में, आपको इस चीज़ से मूव ऑन करना है, इस चीज़ को आपको पीछे छोड़ना है, आपको अपने आप को डेवलप करना है, आपको एक बेटर पोजिशन में जाना है। ठीक है, इसीलिए दैट इज द थिंग आई एम सीइंग। ओके, सो आई एम सीइंग यू इन दिस टेम्परेंस एनर्जी, कि आप अभी अपने आप पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जैसे ये जो पर्सन है, एक ये दो कप बैलेंस कर रही है, एक कप में वाटर है, एक कप में फायर है। सो एक पर्सन लेता गया इस रिलेशनशिप में, एक पर्सन सिर्फ उसको क्या कहते हैं, एक पर्सन बस सैक्रिफाइस करता गया। यस, सो वन पर्सन वॉज टेकिंग, वन पर्सन वॉज सैक्रिफाइसिंग। ये जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता था, आप हमेशा इस पर पानी डालती रही, पानी डालती रही, इसको ठीक करती रही, ठीक करती रही। लेकिन उसके बाद ये चीज़ ठीक करते करते ये चीज़ आपके लिए एक बोझ जैसा हो गया था, कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक आपको वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा था जो आपको मिलना चाहिए कनेक्शन से, क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रही थी वो इस डेविल एनर्जी में ही था। ओके, देन आई एम सीइंग एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स। सो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि सिंस आप अभी इस टेम्परेंस एनर्जी में हैं, अगर अभी अभी तक आप इस टेम्परेंस एनर्जी में नहीं हैं, देन आप बहुत जल्दी आने वाले हो। एंड तब आपके पास एक किंग ऑफ कप्स का ऑफर आएगा, समवन, ऐसा कोई इंसान आपको ऐसा कुछ ऑफर करेगा, वो जॉब हो सकता है, वो प्यार, कुछ भी हो सकता है, आप जो आपका जो सिचुएशन है हम वही हिसाब से, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सो अगर ये जॉब के बारे में आप पूछ रहे हो, तो मे बी आप एक ऐसे जॉब में थे वो जो बहुत डिमांडिंग था, जो आपसे बस एक बोझ बनता गया आपके लिए। ठीक है, सो द यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू विल गेट एन ऑफर, आपके पास एक ऑफर आएगा, एक सॉलिड ऑफर फ्रॉम अ किंग ऑफ कप्स काइंड ऑफ अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत स्टेबल है, जिसके जो इमोशनल है, जो इमोशंस को समझ सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ऐसा एक पर्सन के पास से आपके लिए एक ऑफर आएगा। कब आएगा, जब आप इस टेम्परेंस एनर्जी में होंगे। अगर आप अभी हैं देन इट्स वेरी गुड, अगर आप अभी तक नहीं हैं, अगर आप अभी भी पास्ट में जी रही हो, अगर आप अभी भी इस डेविल के साथ डील कर रही हो, या फिर आप को डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे, आपको लगता है इस पर्सन को छोड़ के आप नहीं रह सकती, देन आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन में आने वाली हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू ना। ऑल्सो और एक मैसेज, सो इस डेविल एनर्जी के साथ आपका जो भी था रिलेशनशिप, जॉब अपॉर्चुनिटी, जो भी था, वो दैट इज कमिंग टू एन एंड फॉर श्योर, या एंड ऑलरेडी हो चुका है। फॉर 95% पीपल मुझे लगता है कि एंड हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए आप इस टेम्परेंस एनर्जी में आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे सब खत्म हो चुका है इस पर्सन के साथ। ठीक है, बट वी ऑल्सो हैव द 10 of Cups, 7 of Cups एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो विद द 10 of Cups एंड द 7 of Cups एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आप ये जो 10 of Cups है, जो अबंडेंस है, जो खुशियाँ है, जो आप इस पर्सन से मांग रही थी,
जो आप बार बार यूनिवर्स को बोल रहे थे कि आप ये पर्सन मुझे ये 10 of cups कब देगा, ये पर्सन मुझे ये 10 of cups कब देगा, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप जो 10 of cups का सपना देखती हो, ठीक है, वो 10 of cups आपको ये किंग ऑफ कप्स ही दे पाएगा। ये जो भी है, इसे चाहे आप ऑलरेडी जानती हो, इसे चाहे आप नहीं जानती हो, स्ट्रेंजर हो सकता है या आपका नोन पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो आपके पास एक ऑफर लेके आएगा बहुत जल्द। सो द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि ये 10 of cups, ठीक है, ये किंग ऑफ कप्स, ये यूनिवर्स आपको किंग ऑफ कप्स ऑफर करना चाह रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अगर तुमको ये 10 of cups चाहिए, ये हैप्पीनेस, ये फैमिली, ये फ्यूचर, ये हैप्पी होम, फैमिली बॉन्डिंग, किड्स, चिल्ड्रेन, तो ये हम तुमको ये किंग ऑफ कप्स ऑफर कर रहे हैं। तुमको ये हैप्पी होम चाहिए, हम तुमको ये किंग ऑफ कप्स का ऑफर तुम्हारे पास हम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपसे और एक चीज कहना चाहती है, ये जो डेविल के साथ आप डील कर रहे थे, जो पास्ट पर्सन जो भी है आपके लिए, ये कोडिपेंडेंट था आप पे, ये एडिक्टेड था आप पे, ये इतना रेस्पॉन्सिबल नहीं था, इसको आप, इस रिलेशनशिप को बचाते बचाते आप खुद सैक्रिफाइस हो चुकी थी। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके पास हम फिर भी एक ऑप्शन लाएंगे, हम चाहते हैं कि किंग ऑफ कप्स से आपका लाइक 10 of cups हो, या आप किंग 10 of cups आपको किंग ऑफ कप्स ही दे पाएगा, वो हम जानते हैं, लेकिन हम फिर भी आपके पास एक ऑफर ला रहे हैं विद द 7 of cups। आपके पास हम एक चॉइस देंगे, ये किंग ऑफ कप्स आपकी जिंदगी में आएगा, लेकिन आपको हम फिर भी एक चॉइस देंगे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड आई थिंक ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन है, किसी किसी के लिए, जो पास्ट पर्सन है ये वापस आपको कोई ऑफर देगा फ्यूचर में, या फिर किसी किसी के लिए ये एक नया पर्सन होगा। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स वेरी पैशनेट, लेकिन किंग ऑफ कप्स जैसा स्टेबलाइज्ड शायद ना हो, लेकिन एक ऑफर आएगा। तो विद द 7 of cups आई थिंक अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यूनिवर्स बोल रहा है नाउ यू डिसाइड, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक वी हैड द फूल कार्ड। सो ये लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा, आप किसके साथ, आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किसी किसी के लिए ये डेविल एनर्जी इज द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी आई एम फीलिंग, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, नया पर्सन हो सकता है। सो दैट इज द फीलिंग, यू विल गेट एन ऑफर, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि आपको किसको चूज करना है, कौन सा जॉब चूज करना है, या किस पर्सन को चूज करना है, सो आप वैसे कर सकते हैं। That is the message the universe is giving you. That is the blessing that is coming to you. हम एक last universal advice देखेंगे आपके लिए. Okay. 4 of cups. और एक card ले लेंगे. Yeah, 5 of cups. तो 4 of cups, 5 of cups, मुझे लगता है कि अगर कोई कोई ये डेविल पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं आपके पास्ट के बारे में, जिसके साथ आप कोडिपेंडेंट थे या जो आपके साथ कोडिपेंडेंट था, अगर आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, आई थिंक दिस इज द मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है कि विद द 5 of cups एंड द 4 of cups ये पर्सन आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा जिसका आपको तलाश है। अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन चेंज हो जाएगा, ये एक दिन आएगा एकदम डेविल एनर्जी से, ये कोई और बन जाएगा, मुझे बहुत कुछ ऑफर करेगा, बहुत हैप्पीनेस, तो आई डोंट थिंक ये जल्दी होने वाला है। मे बी फ्यूचर में कभी होगा, मे बी अगर ये चेंज करने का मन बना लिया, ये सुधर गया, तो मे बी होगा, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी ये पर्सन 5 of cups एनर्जी में है। ये आप भी हो सकते हो कि आपको बस बुराई दिख रहा है सिचुएशन में, आपको अच्छा ही नहीं दिख रहा है, आप नेगेटिव माइंडसेट में हो, आपका एनर्जी वाइब्रेशन बहुत लो है अभी। एंड द 4 of cups, आप इस पर्सन को जितना भी ऑफर दे दो, आप इस पर्सन के लिए जितना भी क्यों ना कर दो, ये पर्सन ही इज नॉट टेकिंग द कप, शी इज नॉट टेकिंग द, ये पर्सन आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, मे बी उसका कोई एडिक्शन प्रॉब्लम है, मे बी थर्ड पार्टी, मे बी वो किसी और पे इन्वेस्टेड है, किसी और चीज में, वॉट एवर द रीजन, कुछ भी सिचुएशन हो, इस वक्त डिवाइन टाइमिंग, इस वक्त ये पर्सन जो भी है डेविल एनर्जी, अगर आप इसके बारे में पूछ रहे हो, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि ही इज नॉट रेडी, ये पर्सन आपके लिए अभी तैयार नहीं है। यूनिवर्स इंटरवेंट कर रहा है, यूनिवर्स बीच में आ रहा है विद द जजमेंट कि ये सेपरेशन जो भी हुआ है, ये यहाँ पे जो डेथ जो कॉज हुआ है आप लोगों के बीच में,
ये एक रीजन से हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग. बहुत लोगों के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप समथिंग. सो दैट इज द बेसिक मैसेज फॉर यू. ये पर्सन अभी तैयार नहीं है आपका कप उठाने के लिए. सो आप अभी यूनिवर्स इसीलिए आपको एक नया ऑफर लेके आएगा विद द किंग ऑफ कप्स एंड मे बी द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. किसी किसी के लिए सेम पर्सन है, किसी किसी के लिए डिफरेंट पर्सन है, लेकिन यूनिवर्स आपको एक ऑफर ज़रूर देगा एंड आपको चॉइसेस भी देंगे कि आप चूज करें कि आपको किसके साथ जाना है. ठीक है. सो दैट वॉज द बेसिक मैसेज पाइल नंबर टू. हम देख लेंगे आपके बाकी के कार्ड्स क्या है. वी हैव थंडरबोल्ट, वी हैव कंप्लीशन. सी कंप्लीशन इज दिस कार्ड, द डेथ. यस. सो डेफिनेटली यहाँ पे मे बी आप किसी पर्सन के साथ कुछ कंप्लीट किए हो, एक सेपरेशन साइकिल कंप्लीट हुआ है आपका इस पर्सन के साथ, डेविल के साथ. सो डेफिनेटली दिस इज अ कंफर्मेशन कि यहाँ पे कंप्लीशन हुआ है जो कि यूनिवर्स चाहता था, इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है. एंड विद द थंडरबोल्ट आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ द टावर कार्ड. सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अगर अभी तक नहीं हुआ है, देन यू विल रियलाइज ये जो पर्सन था मे बी इसमें कुछ कमी थी, मे बी आपको जो चाहिए ये पर्सन केपेबल नहीं है देने के लिए. ये रियलाइजेशन अगर अभी तक नहीं हुआ है, ये आपके लिए ब्लेसिंग होगा कि आप ये रियलाइज करोगे. यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी ये रियलाइज करने में, आपका अपना पोटेंशियल को रियलाइज करने में. एंड द ओरेकल कार्ड इज ब्लैक मेज. सो इसका मैसेज हम लोग पढ़ेंगे. दिस कार्ड इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ साइकिल. सी एंड ऑफ अ साइकिल, कंप्लीशन, डेथ, ऑल दीज टॉक्स अबाउट. सो डेफिनेटली यहाँ पे एंड ऑफ अ साइकिल हुआ है. एंड इन दिस प्लेन ऑफ डुअलिटी सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप्स इनएविटेबली एंड, मेकिंग रूम फॉर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. इट इज टाइम टू वॉच योर ईगो एंड प्यूरिफाई योर सेल्फ सो दैट द न्यू कैन बी बेटर दैन द ओल्ड. सो ये बोल रहा है कि आप अपना अपने आप को सुधारो. अगर आप में कुछ कमी है, ज़रूरी नहीं है कि आप में ये सब कमी है या ये जो भी एंड हुआ है, कंप्लीट हुआ है साइकिल, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं. कुछ भी हो पर अपने आप को सुधारो. जो हुआ सो हुआ, आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए, आगे देखिए ताकि आपका फ्यूचर इससे भी बेटर हो. ठीक है. क्योंकि ये जो भी एंड हुआ है यहाँ पे, आई एम गेटिंग दिस वेरी क्लियर मैसेज कि ये एंड वॉज अ डिवाइन इंटरवेंशन. डिवाइन चाहता था इसीलिए ये हुआ है. ठीक है. क्योंकि ये पर्सन मे बी कोडिपेंडेंट थे, मे बी एडिक्शन था, मे बी कुछ भी हो सकता है. आपके लिए सही नहीं था, लेकिन किसी किसी लिए ये वापस आ सकता है. लेकिन यूनिवर्स आपको फ्री विल देगी कि आप चूज करें. लेकिन यूनिवर्स आपको एक बेटर ऑप्शन देगा विद द किंग ऑफ कप्स. ठीक है. That was your blessing from the universe. So thank you so much, pile number 2, for watching. अगर resonate किया हो then please hit that like button, share the video. And अगर आप इस channel में नए हैं then please like करें and subscribe करें इस channel को. हमारे family का एक हिस्सा बन जाइए. And thank you so much for watching. Hi, hello and welcome back my pile number 3 people. अगर आपने crystal choose किया है then you are my pile number 3. सो देखेंगे कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है. सो ये आपके ओरेकल कार्ड्स एंड एडवाइस कार्ड्स है जो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे. ओके. वी हैव द थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स. अच्छा, हम लोग क्लैरिफाई करेंगे. विल क्लैरिफाई द थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स फर्स्ट. थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स को क्लैरिफाई करेंगे हम लोग पहले. ओके. वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड अदर कार्ड. ओके, बहुत सारा कार्ड है, हम उसे देख लेंगे. ओके, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. पेज ऑफ कप्स, विल क्लैरिफाई द पेज ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स. ओके,
another card. The Sun. Okay. Page of Wands. Where is the Page of Wands here? Where is the Page of Wands here? Justice. Strength. Okay. Bottom of the deck we have the Death card. ठीक है. We'll see what is up. So my pile number 3, I'm having the 3 of Cups, 6 of Pentacles, Ace of Pentacles in reverse. Page of Cups, Ace of Cups and the Sun. Okay, Page of Wands, Justice and Strength. Okay. So, फर्स्ट मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इज द 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स आपके पास्ट एनर्जी में, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ओके, सो मुझे जो मैसेज आ रहा है कि आप जिनके साथ डील कर रही थी, या आप मे बी रिलेशनशिप, मे बी करियर, मे बी जॉब, वॉट एवर द सिचुएशन, आप जिस कनेक्शन में थी, ठीक है, विद द 3 ऑफ कप्स आई थिंक आप वेट कर रही थी किसी चीज का, या आप अभी भी वेट कर रही हो एक नए बिगिनिंग का, ठीक है, एक ऑफर का, एक बिगिनिंग का, कि मे बी आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, मे बी नो कॉन्टैक्ट हो गया है, मे बी आप कनेक्शन में नहीं हो इस पर्सन के साथ, लेकिन आपको वेट है कि ये पर्सन एक नया कुछ ऑफर करेंगे आपको, एक नया बिगिनिंग ऑफर करेंगे आपको. क्योंकि मुझे इस पास्ट पोजिशन में मुझे बहुत सारा इम्बैलेंसेस लग रहा है इस सिचुएशन में. एक पर्सन बहुत गिविंग है, एक पर्सन गिविंग एकदम भी नहीं है. एक पर्सन मेहनत कर रहा है इस कनेक्शन के लिए, दूसरा पर्सन नहीं कर रहा है. सो मे बी इसलिए झगड़ा हो गया, झमेला हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे एंड देयर वाज अ सेपरेशन और सम काइंड ऑफ अ झगड़ा झमेला, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. सो आप इस जो भी चीज का वेट कर रही थी, ये न्यू बिगिनिंग या एक ऑफर का वेट कर रही थी, वो नहीं आ रहा था या देर हो रहा था, इसलिए आप काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन फील कर रही थी. आपको थोड़ा सा पेन हो रहा था पास्ट में. ओके, सो द यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू इज कि आपके लिए एक ऑफर आ रहा है, ठीक है. मे बी आप जिस ऑफर का वेट कर रही थी वो ऑफर हो सकता है, क्योंकि दिस इज एन इमोशनल ऑफर. अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रही हो तो मे बी दैट इज द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. वो पर्सन एक छोटा सा ऑफर लेके आएंगे आपके पास, छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं, जो आपको बहुत हैप्पीनेस देगा. एंड विद द एस ऑफ कप्स, सी, सो डेफिनेटली ये पर्सन एक ऑफर लेके आ रहा है बहुत जल्द. अगर अभी तक ऑलरेडी नहीं आया है आपके लाइफ में, एक छोटा सा ऑफर लेके आएंगे जो आपको बहुत सारा हैप्पीनेस देगा, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको उस ऑफर से, जो बहुत छोटा होगा ऑफर. वी हैव द पेज ऑफ वॉन्स, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ. ओके, सो मे बी ये जो ऑफर है बहुत लोगों के लिए ये एक टेक्स्ट मैसेज के तौर पे आ सकता है. मे बी एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज या एक छोटा सा कॉल कर दिया उस पर्सन ने, या आप जिस भी चीज़ का वेट करिए, अगर जॉब करियर है तो मे बी आपको एक ऑफर आ गया, कॉल आ गया जॉब का. क्योंकि आप जो इन्वेस्ट की है, यूनिवर्स को पता है कि आप बहुत इन्वेस्ट किए हो इस कनेक्शन में, इस जॉब में, जहाँ पे भी हो, ठीक है, आप बहुत इन्वेस्ट किए हो, आप मन लगन से आप उस चीज़ को चाहती हो, चाह रही थी या चाह रहे थे, तो यूनिवर्स को वो चीज़ पता है. आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड द यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप स्ट्रांग रहिए, आप अपना स्ट्रेंथ बनाए रखिए, क्योंकि आपके पास वो ऑफर आ रहा है बहुत जल्द. At the bottom of the deck we have the death card. So I think कि आप अगर इस energy में हो कि ये person नहीं आएंगे, या कोई positive या sorry कोई negative अगर energy है, then आपको उसको रोकना पड़ेगा. आप उस energy से आपको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है. And आपके past में, I'm also getting this message कि आपके past में जिसलिए ये थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स, जिसलिए सेपरेशन हुआ या जिसलिए आप दोनों का दिल दुखा, आपका दिल दुखा, अगर कोई आदतें है आपके रिलेशन में या जॉब या करियर, जहाँ पे भी अगर कोई आदतें हैं जो आपको बदलनी है, तो द यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आप उस आदत को बदलने की अभी से कोशिश करो, या आपके पर्सन को कोशिश करना चाहिए अभी से, तभी ये जल्दी हो पाएगा कम बैक, ठीक है. एक लास्ट मैसेज देख लेंगे आप
एडवाइस मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए. सो वन लास्ट एडवाइस मैसेज. ओके क्या है ये, दो कार्ड आए हैं. यस, यू हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके सो डेफिनेटली एक ऑफर आ रहा है, पैशनेट ऑफर, न्यू बिगिनिंग का ऑफर. एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स मे बी बहुत लोगों के लिए ऑफर हो सकता है कि कोई फिनेंशियल ऑफर हो सकता है, पैसा रिलेटेड मटेरियल ऑफर मैक्सिमम लोगों के लिए. अगर प्यार का ऑफर आ रहा है तो भी सही है, लेकिन एक मटेरियल कुछ चीज़ का भी ऑफर आ रहा है आपके पास. और अगर आप मटेरियल चीज़ के बारे में ही पूछ रही थी तो देन दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि हाँ आ रहा है भाई. ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव, तीनों में ये सबसे पॉजिटिव फाइल मुझे दिखा है यहाँ पे. बाकी के कार्ड्स देख लेंगे. वी हैव द ड्रीम एंड द फ्रेंडलीनेस. सो डेफिनेटली आपका एक ड्रीम है, आपका एक नया बिगिनिंग का ड्रीम है जो पूरा होने वाला है, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू. एंड विद द फ्रेंडलीनेस, दिस इज टॉकिंग अबाउट द फ्रेंडलीनेस. सो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, मैनिफेस्ट करना है, जो कि मुझे दिख रहा है आप कर रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहा है. सो आपको बस उस एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव एनर्जी में. आप लोगों का ओरेकल कार्ड्स है द एनलाइटमेंट. मैसेज है योर गाइडेंस इज टू स्टॉप डूइंग एंड स्ट्राइविंग, फॉरगेट अबाउट टुमारो, जस्ट स्टिल योर माइंड एंड बी इन द नाउ. दिस क्वाइट टाइम कॉन्टेम्पलेट द वंडर्स ऑफ लाइफ एंड अप्रिशिएट ऑल दैट यू हैव, इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइफ ऑन अर्थ. योर रिवॉर्ड विल बी इनर पीस एंड अ सेंस ऑफ डिवाइन कनेक्शन. सो आप पॉजिटिविटी पर ध्यान दीजिए एंड क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में सोचना बंद करके अभी जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए यूनिवर्स के साथ. यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए कि आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू टू द यूनिवर्स एंड मे गॉड ब्लेस यू. ठीक है, सो थैंक यू सो मच पायल नंबर वन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड फैमिली का हिस्सा बनिए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. फिर मिलेंगे बहुत जल्द. थैंक यू.